Okay, students, here we are back again on the second lecture on machines. Here we will be solving some problems. Problem solve करने से पहले हम recapitulate कर लें, revise कर लें कि last lecture में हमने क्या पढ़ा. हमने बताया था velocity ratio is equal to distance moved by effort divided by distance moved by load. Lever के लिए that is equal to effort arm. एफर्ट आर्म क्या होता है? लिवर मान लीजिए आपका ये है, ये फल्क्रम है, यहां एफर्ट लग रहा है और यहां लोड लग रहा है, इसको कहेंगे एफर्ट आर्म. एफर्ट आर्म फल्क्रम से एफर्ट के बीच की दूरी और लोड आर्म फल्क्रम से लोड के बीच की दूरी, इसको कहेंगे लोड आर्म. सो हियर और मैकेनिकल एडवांटेज हमने क्या था, लोड अपॉन एफर्ट है और एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो. वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहती है हर एक मशीन के लिए, याद रखिएगा. क्वेश्चन ये है एक लीवर का, पहला एक एग्जांपल सिंपल सा, एक फायर टोंग, ये पोल है. फायर टोंग क्या होता है? जो चिमटा होता है, होल है, ये फायर टोंग है. इसका फल्क्रम कहां है? तो फल्क्रम इसका ये होगा. लोड कहां है? जब आप इसको प्रेस करेंगे कोयले को, तो कोयला इसके ऊपर ऐसे लोड लगाएगा. और आप इसको कैसे दबाते हैं? आप इसको ऐसे दबाते हैं, फल्क्रम एफर्ट कौन सा हुआ, किस क्लास का लीवर हुआ? एफ एल ई. क्या बीच में है? ई है. ई क्या हुआ? क्लास थ्री लीवर. क्लास थ्री लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा क्या होता है? लोअर देन वन. ये स्पीड मल्टीप्लायर है. लोड आर्म दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया आपका, और एफर्ट आर्म 5 सेंटीमीटर. सिंपल, फाइंड द वेलोसिटी रेशियो. वेलोसिटी रेशियो हो गया एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म. तो एफर्ट आर्म आपका है 5 सेंटीमीटर, लोड आर्म इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म. ये क्या हुआ? 5/15 इज इक्वल टू 1/1. जब भी वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 होगा तो स्पीड मल्टीप्लायर. ओके, मैकेनिकल एडवांटेज क्या? मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो. कहां से आया? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया. तो अगर आपको नहीं दे रखा एफिशिएंसी, तो आप मानिए कि एफिशिएंसी 100%. तो आप लिखेंगे एज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1/3. तो आंसर आ गया वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1/3, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1/3. क्वेश्चन ये था लिवर किस फॉर्म का है, किस क्लास का है? लिवर इज ऑफ क्लास 3. बट पर्टिकुलरली बोर्ड में आंसर्स आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. ओके, ये हेलो स्टूडेंट, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी की आपके टेस्ट. इसमें क्वेश्चन ये है कि एक मशीन है जिसको चलाने के लिए एक रस्सी से 100 kg का मास बंधा हो, वो मास नीचे गिर रहा है और वो एक 500 kg का मास ऊपर उठा रहा है, तो क्या हुआ? लोड मल्टीप्लायर है. मशीन क्या कर रही है? इट ओवरकम्स अ हैवी लोड
by applying a little effort. तो mechanical advantage क्या होगा इसका 500 by 100 is 5. Question ये है कि force exerted by falling mass. Mass 100 kg है, acceleration due to gravity कितना है 10. तो force कितना होगा M into G is equal to 100 into 10 is equal to 1000. क्या हो गया न्यूटन. ये फोर्स. तो ये तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन का आंसर. वर्क डन बाय फॉलिंग मास. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. 8 मीटर वो 4 सेकंड में गिरता है. तो डिस्टेंस कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट. S is equal to 8 meters, force is equal to 1000, work kitna hua? F into S is equal to 1000 into 8 is equal to 8000 joule work. Ye bhi ho gaya, aapka ye bhi ho gaya. Power. पावर इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था. पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. वर्क अपॉन टाइम. वर्क आ गया इतना. टाइम कितना है. टाइम आपका है कितना है टाइम आप बताइए 4 सेकंड. तो पावर हो गई आपकी 8000 डिवाइडेड बाय 4 is equal to 2000 watts. Is this clear to you? You've got power, you have got work, you have got force. Okay? Now, power output to machine. तो हमारे पास power, power हमारे पास आ गई है is equal to 2000. Yes, ये मैं मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा. क्वेश्चन ये पावर आउटपुट टू द मशीन. एफिशिएंसी दे रखी है. एफिशिएंसी के लिए मैंने क्या लिखा था. एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट. तो हम ये कह सकते हैं पावर आउटपुट is equal to efficiency into power input. लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते. Cross multiplication easy. Efficiency is equal to power output divided by power input. तो इस केस में क्या हुआ हमारे पास हो गया power output is equal to efficiency into power input. Efficiency percentage में दे रखी है तो इसलिए हम लिखेंगे 60/100 into 1200 watt. ये आपकी पावर आउटपुट है. क्या आई पावर आउटपुट. तो ये पावर आउटपुट आपकी आई 1200 watt. तो आपका क्या हुआ वर्क आउटपुट निकाला. पावर मालूम है टाइम तो 4 सेकंड ही है. जितने समय में ये काम कर रहा है उतने समय में ऊपर जा रहा है. तो हमें मालूम है टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड. पावर आउटपुट हमारे पास है 1200 वॉट. तो हमारे पास क्या हुआ वर्क आउटपुट इज इक्वल टू 1200 इंटू 4. यहां पे 1200 लिखिए यहां पे 4 लिखिए तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे 4800. Is that right? Understood? तो ये सिंपल तरीके होंगे क्वेश्चंस को करने के. डोंट पैनिक. ध्यान से पढ़िए समझिए और उसके बाद. ओके गुड स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन है. एक लीवर है उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर दे रखी है. लोड आर्म 5 सेंटीमीटर है. एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर है. पूछा है कौन से टाइप का लीवर है उसका फिगर.
फिगर बनाने के लिए याद कर लीजिए, सबसे पहले तो हम लीवर की लेंथ बनाते हैं, ये 0 सेंटीमीटर हो गया, ये 9 सेंटीमीटर हो गया, ये टोटल लीवर। एफर्ट आर्म क्या है, पहले देखो कौन सा बड़ा है, एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे फलक्रम होगा तो एफर्ट यहां होगा, तो इस केस में क्या होगा, फलक्रम यहां हो गया और एफर्ट यहां, मान लीजिए एफर्ट ऐसे है, ये क्या हुआ 9 सेंटीमीटर। एफर्ट आर्म कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। लोड आर्म 5 सेंटीमीटर, लोड आर्म इन दोनों के बीच में आएगा, तो लोड आर्म 5 सेंटीमीटर हो गया। क्या बीच में है, डायरेक्शन क्या होगा, पहले तो देखिए कौन सा लीवर है, क्लास 2 लीवर है, एफ एल ई एल बीच में है, क्लास 2 है, क्लास 2 है तो डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर। फिगर बनाना सीख गए, क्लास 2 लीवर है, क्या लीवर के पास है, क्लास 2। क्वेश्चन आया कि इसकी मैकेनिकल एडवांटेज, सबसे पहले हम जो भी मशीन होगा कोशिश करेंगे वेलोसिटी रेशियो निकालने, तो वेलोसिटी रेशियो लीवर के केस में एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1.8, कोई यूनिट नहीं होती। वेलोसिटी रेशियो कॉन्फिगरेशन साइज ऑफ लीवर के उसके एफर्ट आर्म और लोड आर्म के ऊपर, ये कांस्टेंट रहता है, एफिशिएंसी कुछ भी हो लीवर की, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहेगा। मैकेनिकल एडवांटेज हमें मालूम है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, तो पहले जब 100% है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, 100 अपॉन परसेंटेज 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटू 1.8 इज इक्वल टू 1.8, क्या यूनिट है, कोई यूनिट नहीं होती मैकेनिकल एडवांटेज की, ये आपका आंसर आ गया। इस केस में भी वेलोसिटी रेशियो क्या होगी, 1.8। सेकेंड केस में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो अगर एफिशिएंसी 50%, उस केस में क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 50/100 इंटू 1.8, 2 इज इक्वल टू 0.9। वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगा, 0.9 नहीं 1.8, वेलोसिटी रेशियो डज नॉट चेंज, वेलोसिटी रेशियो डज नॉट चेंज। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंटरेस्टिंग है, लिवर के आप सम्राट। इन दिस क्वेश्चन हमने को एक फिगर दे रखा है, ये रॉड है, यहां पे फिक्स्ड है और एक एफर्ट लग रहा है ए पे और बी पे एक लोड नीचे का, तो ये हमारा क्या हुआ, लोड 50 न्यूटन हमारा लोड, तो ये किस पॉइंट पर रोटेट करेगी, यहां पे रोटेट करेगी, जिस पॉइंट पर रोटेट करेगी रेडियल रॉड उसको हम क्या कहते हैं, फलक्रम, तो ये फलक्रम हो गया, ये एफर्ट हो गया। कौन सा क्लास ऑफ लीवर है, एफ एल ई, लोड कहां है, नहीं लोड एंड में है, एफर्ट बीच में, बीच में एफर्ट होने का मतलब हुआ क्लास 3 लीवर। क्लास 3 लीवर की एक खासियत है मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन 1, याद कर लीजिए वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज लेस देन 1, तो इसमें हमने पहले देखे एफ ए क्या हुआ, एफ ए हमारा एफर्ट, एफर्ट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट, ये हमारा ये डिस्टेंस हमें दे रखा था 490 सेंटीमीटर और ये कहने, तो
लो डाउन देता हूँ, लो डाउन 490 नहीं है, फल प्लम से लेना पड़ेगा। कहां से लेना पड़ेगा? फल प्लम से लेना पड़ेगा। लो डाउन कितना हुआ? 490 प्लस 10, लो डाउन इज इक्वल टू 10 प्लस 490 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 500। वेलोसिटी रेशियो क्या? वेलोसिटी रेशियो में मालूम है एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म, तो 10 बाय 500 इज इक्वल टू 1/5। अगर ये ग्रेटर देन वन आप कहीं गलती से कर रहे हैं तो समझिए गलत कर रहे हैं, क्योंकि क्लास थ्री रिवर है, क्लास थ्री रिवर का वेलोसिटी रेशियो हमेशा ले सकता हूं। तो कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज, तो अगर वेलोसिटी रेशियो 1/50 है तो एज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1/50। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? दैट इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, राइट? क्वेश्चन पूछा मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 50, तो हमें मालूम है लोड अपॉन एफर्ट इक्वल टू 1/50, सो एफर्ट इज इक्वल टू लोड इनटू 50, और लोड कितना था? 50 न्यूटन इनटू 50, तो एफर्ट कितना हो गया? 2500 न्यूटन। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस आते नहीं, और इतना आप समझ गए तो अपनी बुक में से, सेलेना में से सब क्वेश्चंस कीजिए, जिसमें भी डाउट है आप मुझे 9415216799 पे व्हाट्सएप करें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको दूंगा। इज दैट ओके? थैंक यू, डोंट वरी, यू विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज व्हेन निप्स क्लासेस इज देयर, सक्सेस इज गारंटीड।